नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। पराली जलाने पर मुकदमा लिखवा रही है भैया, ये सब लोगों का खेत चल रही है, इसका उपाय है? ये जो गौशाला वगैरह बनाए गांव में, उसका क्या है? सब कागजों में है, कागजों में है, नहीं भी कहीं भी गौशाला नहीं है। नहीं नहीं कहां बने जाएंगे कागजों में? ये गुना झूठी है, तो कौन बने कहां है? इंतजाम ही नहीं है, सीधी बात है। गाय गाय करेंगे तो हम गाय बंद कर देंगे। अच्छा, गौशाला पे बैठे हैं वो ये कहते 2000 की रसीद कटाओ तब हम गाय को अंदर, तो वो ये कहते हमारे 500 की गैया नहीं है, 2000 हम काय देंगे? तो फिर यही ना गौशाला गाय देखे, जनता को बेवकूफ बना दे। नाम है केवल बताया जी, कहीं गौशाला नहीं मिलेगी। 400-500 गाय किसी के खेत में बेच है तो अकेला आदमी भी रहे तो क्या करे? कुछ नहीं कर पाता था। एक दो को तो डांटो अरे कभी ना। हाँ राजू, वो खेड़ा में है, आधा घंटे में पहुँच रहे हैं वहाँ। जानकारी प्राप्त हुई हमको, बाबू जी ने सब बताया, तेरी बटाई पे किया था चलाने में ना का चिंतन। हमारा पशुओं के संदर्भ में जहाँ एक तरफ किसानों के लिए उससे बचाव के उपाय करने चाहिए, पूरा प्रदेश का किसान हाहाकार की स्थिति में, संकट के दौर में, और आज तो एक दुखद समाचार मिला आगरा में, श्री राकेश सिंह कुशवाहा जो लगभग 11 बीघा बटाई पर खेत लेकर जोत बो रहे थे और फसल अब आने को थी, और कल परसों रात को आवारा पशुओं ने पूरे खेत को चर कर और पूरे उनके फसल को नष्ट कर दिया, जिसके नाते विवश होकर आत्महत्या उन्हें करनी पड़ी, जैसा कि ग्रामवासी और उनके परिवार के लोगों ने बताया। किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है, और ये सरकार लगातार किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करती है, और आज किसान आत्महत्या करने पर विवश है, फिर भी इन आवारा पशुओं से निजात दिला पाने की स्थिति में ये सरकार बिल्कुल अक्षम साबित दिखाई देती है। मैं अभी एक किसान, जो बुजुर्ग किसान थे श्री अमर सिंह जी, उनसे भी मिला। उन्होंने भी 7 बीघे बटाई पर खेत ली है, और उनके भी पूरे फसलों को किसानों ने, आवारा पशुओं ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ऐसे हजारों लाखों किसान बुरी तरह इन आवारा पशुओं से प्रभावित हैं। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए, गौशाले के नाम पर केवल लूट खसोट हुए हैं, कागजों में गौशाले दिखाए जा रहे हैं, और आवारा पशुओं के नाते किसान आज पीड़ा संकट। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।